सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए कैरम लर्निंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल के एक और नई कैरम लर्निंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कट रिटर्न स्ट्रोक। बहुत ही ज़्यादा काम का स्ट्रोक है। पोजीशन आया तो 100% आप फिनिश कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, आखिर तक देखना और सारे स्ट्रोक देखना, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रोक्स मैंने इसमें डाले हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके और एडवांस लेवल के वीडियोस भी सेम स्ट्रोक के मैं बनाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को 1000 लाइक कंप्लीट किया तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप खरीदना चाहते हैं कैरम बोर्ड, स्टैंड, लैम्पशेड स्टैंड, कॉइन सेट, स्ट्राइकर पाउडर, कैरम मैन, कैरम कवर, कैरम नेट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कैरम बोर्ड आप खरीद सकते हैं mycarom.com से। mycarom.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको कैरम बोर्ड से रिलेटेड सारे तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सही प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो एज़ पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन, ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के मुताबिक जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं। साथ ही में अच्छी क्वालिटी के स्ट्राइकर्स, जो स्टैंड लैम्पशेड स्टैंड की नीड्स है हमें अच्छे प्रोफेशनल कैरम बोर्ड को गेम प्ले करने के लिए, तो सारे आपको राइट प्राइस पे विथ डोर डिलीवरी मिल जाते हैं। तो आप जाइए, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप mycarom.com, और अगर आप चाहते हैं कोई भी कैरम रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदना तो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये स्ट्रोक के बारे में। कट रिटर्न मारने के लिए दो चीज़ें आपके काम में आएंगी, दो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नंबर वन, स्ट्राइकर की प्लेसमेंट, स्ट्राइकर रखना कहाँ पे है, दूसरा कॉइन को मारना कहाँ पे है। दो चीज़ें, स्ट्राइकर रखना कहाँ पे है, कॉइन को मारना कहाँ पे है, दो चीज़ें। अभी इस कॉइन को हमें निकाल कर ये कॉइन को पॉकेट करना है तो हमें स्ट्राइकर बॉल पर रखना पड़ेगा। इस कॉइन को हमें करीब 3 से थोड़ा सा नीचे, मतलब करीब 4 के आसपास, हमें 4 के थोड़ा सा ऊपर कॉइन को मारना पड़ेगा। तो 3 और 4 के बीच में, या फिर 4 पे भी आप मार सकते हो, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन क्या है। तो हम अभी इसको 4 पे मारेंगे। स्ट्राइकर का डिफ्लेक्शन देखो, यहाँ से हम रखेंगे तो 4 पे लगने के बाद स्ट्राइकर का डिफ्लेक्शन चेंज होगा, यहाँ पे लगेगा और फिर ये कॉइन पे आराम से स्ट्राइकर आएगा और ये कॉइन हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगी ईजिली। अब मैंने क्या किया है, ये कॉइन यहीं पे है, ये कॉइन को थोड़ा यहाँ से यहाँ पे लेके आया हूँ मैंने। अभी देखो, स्ट्राइकर का प्लेसमेंट जब यहाँ पे था तो मुझे इस कॉइन के लिए मैंने यहाँ पे रखा था, अभी इस कॉइन के लिए मुझे स्ट्राइकर थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्राइकर ज़्यादा ट्रैवल करने वाला है, ज़्यादा एंगल उसको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेट लेके आना पड़ेगा मुझे स्ट्राइकर। और ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जजमेंट आपको जल्दी आएगा कि कहाँ पर आकर आप स्ट्राइकर रखोगे, तो यहाँ पर आएगा। तो ये कॉइन जैसे जैसे चेंज होगी कैरम पर सब जगह पर, तो आपका स्ट्राइकर चेंज, स्ट्राइकर का प्लेसमेंट चेंज होते जाता है। अभी आगे आगे देखो, आपको पता चलेगा। सेंटर के करीब है तो मैं इसको मारूंगा यहां से। यहां तक की कॉइन हम ये कॉइन की मदद से निकाल सकते हैं। और स्ट्राइकर वाइड चला गया था अभी हमारा।
ये कॉइन जो थी यहाँ पे थी, अब यहाँ से यहाँ पे आई, तो जितनी करीब आएगी ये कॉइन, जितनी ऐसी करीब आएगी, हो सकता है ना एग्जांपल ऐसा कॉइन है, ऐसा कॉइन है, तो अभी यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे है, तो हमें इसको मार, इसको ऐसे मार के ये जगह बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। खैर ये कॉइन जितनी करीब आएगी ऐसे यहाँ तक के, तो वैसे आपका स्ट्राइकर जो है ऐसे 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 जाएगा, जैसे ये कॉइन करीब आते जाएगी वैसे ये स्ट्राइकर ये डायरेक्शन में जाते जाएगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थी, तो जब हमने इसको यहाँ से मारा था ऐसे, अब हम इसको थोड़ा सा और करीब लेके आते हैं, अब हमें यही एंगल से मारना पड़ेगा। अब थोड़ी जितनी करीब आएगी उतना एंगल हमारा क्लोज आ जाएगा, अभी हमें इस एंगल से भी मार सकते हैं इसको, लेकिन अभी एक्चुअली ये एंगल से थोड़ा ज़्यादा इधर आ जाएगा, तो हमें इसको यहाँ से मारना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करके मारना पड़ेगा इसमें। और एडजस्ट करना, अगर आपको सीधा मारना है तो स्ट्राइकर आपको सेंटर में मारना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ से नहीं, थोड़ा यहाँ पे हम मारेंगे ताकि स्ट्राइकर हमारा इस पर प्रॉपर आ जाए। ये एग्जांपल में ये कॉइन उधर मारनी है तो इसको निकालना है, तो हमें इसको भी ब्रश करके ऐसे, मार सकते हैं और इसको इजी कर सकते हैं।
1000 लाइक का टारगेट रखा है। 1000 लाइक अगर कंप्लीट कर दिए तो मैं इसका पार्ट टू पार्ट थ्री भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की लर्निंग मिलेंगी, जो आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इसका इस्तेमाल करके बहुत जो गेम चेंज कर देते हैं बोर्ड पे। तो वो सारे स्ट्रोक भी मैं, यही कट रिटर्न लेकिन अलग तरह के स्ट्रोक होते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपने 1000 लाइक कर दिया और कमेंट में मुझे बता दिया तो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर कर देना है, कमेंट करके मुझे बताना है वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कैरम रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।